हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलसी एस्टेट। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन है लॉन्च ऑफ वुड्सविले फेज 4 वानिया बाय परांडे स्पेसेस। तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये मोशी में है, पुणे में, और दूसरा इसका लोकेशन आप भोरडवाड़ी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर जैसे आप वीडियो में आप देखेंगे, आपको यहाँ पर जाना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से अंदर की तरफ जाना है, फ्रॉम पुणे नासिक हाईवे से। आप कोई भी तरफ से अगर आप आते हो पुणे नासिक हाईवे से, तो आपको दीनदयाल मार्ग के तरफ से आपको अंदर की तरफ जाना है। जैसे आप स्पाइन रोड से भी आप आते हो तो आपको राइट लेना है टुवर्ड्स दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हो, आप ये एरो देख रहे हो, जैसे ही आप अंदर की तरफ जाते हो तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे वुड्सविले फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, और सेल्स ऑफिस, वानिया सेल्स ऑफिस को क्रॉस करते हुए जैसे ही आप आगे जाते हो तो आप राइट साइड में ग्रीन स्पॉट देखेंगे जहाँ पर वानिया लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। ये लोकेशन का नाम है भोरडवाड़ी मोशी। तो ये प्रोजेक्ट जो है 3 एकड़ लैंड पार्सल में बन रहा है, और इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, और प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी ब्रांडेड डेवलपर का है, परांडे स्पेसेस का है। जो आप ग्रीन स्पॉट नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो ऐसे लेंथ वाइज लंबा प्लॉट है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 बिल्डिंग एक साथ में लोकेटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फेज 3 का है, जो एमिनिटीज आप फेज 3 में देख रहे हैं, ऐसे ही एमिनिटीज आपको फेज 4 में दिया जाएगा, जो कि वानिया नाम रखा गया है वुड्सविले 4 का। तो दोस्तों, आसपास के सराउंडिंग में आप देखेंगे काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और हर सुविधा, हर चीज़ इस एरिया में इजीली अवेलेबल है। और इनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बने हैं, जैसे वुड्सविले 1, वुड्सविले 2, वुड्सविले 3, एंड दिस इज़ वुड्सविले 4 विच इज़ नोन एज वानिया। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, हम लोग आगे पहले सैम्पल फ्लैट का वीडियो देखते हैं, सैम्पल फ्लैट में समझते हैं, उसके बाद एम्यूनिटीज समझते हैं। सो लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों, ये सैम्पल फ्लैट है वानिया का, 2.5 BHK, जिसका कारपेट एरिया होगा 938 कारपेट एरिया, जो कि शुरुआत में इसमें एक बेडरूम दिया गया है, और आप देखेंगे ये बेडरूम है जो कि पैसेज पर दिया गया है, फॉयर एंट्रेंस में दिया गया है, और उसके बाद हॉल है, लिविंग स्पेस है, जिसमें एल शेप लिविंग स्पेस दिया गया है, डाइनिंग स्पेस के लिए जगह दिया गया है प्रॉपर, और ओपन किचन कॉन्सेप्ट है, और राइट साइड में उसके यूटिलिटी स्पेस है। तो स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह यूज़ किया गया है इसमें, और एल शेप प्लेटफॉर्म दिया गया है किचन में, और यहाँ से जब हम दूसरे बेडरूम में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे बैल्कनी दिया हुआ है, प्लस अटैच्ड है, अटैच्ड बेडरूम है ये, सीपी सैनिटरी फिटिंग, सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स इसमें दिए हुए हैं, और उसके बाद ये तीसरा बेडरूम है, जो कि अगेन इसके साथ में बैल्कनी अटैच्ड है। आगे और हम लोग ब्रोशर में समझते हैं। तो दोस्तों, ये मास्टर लेआउट है प्लॉट का, जो कि 3 एकड़ का प्लॉट है, और आप देखेंगे यहाँ पर ए बी सी डी और ई है। जो ऊपर की तरफ है वो ई टावर है, राइट साइड में ग्रीन जोन दिया गया है, और इसको उसके नीचे जो आप देखेंगे ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं स्पेस, वो दैट इज़ क्लब एमिनिटीज़। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ए टावर है उसमें छोटे फ्लैट्स हैं, जो कॉम्पैक्ट 2 BHK है, बी में भी थोड़े से कॉम्पैक्ट फ्लैट आएंगे, और सी डी और ई में उसमें सारे बड़े फ्लैट्स हैं, 2 BHK लार्जर फ्लैट, 2.5 BHK लार्जर फ्लैट, एंड तो अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है वो ए और बी टावर लॉन्च किया है, पर अगर कुछ फ्लैट्स अगर सी डी ई और ई में चाहिए तो उसमें भी कुछ फ्लैट्स अवेलेबल है। तो दोस्तों, ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे नीचे की तरफ क्लब दिया हुआ है, और जैसे ही एंट्री लेते हो अंदर, एक रो में बिल्डिंग है सारे, तो ए बी सी डी और ई है। सो दिस इज़ हाउ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग इज़। 3 एकड़ लैंड पार्सल में बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड किया हुआ है विद क्लब हाउस। तो यहाँ पर दोस्तों, 1 लेवल बेसमेंट पार्किंग है, 1 लेवल पोडियम पार्किंग है, और 18 हैबिटेबल फ्लोर्स है। सो सारे बिल्डिंग्स जो हो गए वो 18 हैबिटेबल फ्लोर्स है, 4 फ्लैट्स ऑन एवरी फ्लोर इन ईच बिल्डिंग। तो काफ़ी गेटेड कम्युनिटी है और लो डेंसिटी बिल्डिंग है।
फिर दोस्तों ये और एक इमेज है सेम बिल्डिंग का, वानिया का, वुड्स विले 4, जहाँ पर सामने की तरफ आप देखेंगे ये क्लब हाउस है और उसके बाद जो बिल्डिंग देखेंगे ए बी सी डी और ई। तो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, आफ्टर ऑल डेवलपर इज परांडे स्पेसेस एंड लोकेशन फॉर दिस प्रोजेक्ट इज एट मोशी इन बोरडवारी पुणे। दिस इज वन मोर इमेज ऑफ द बिल्डिंग, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा लॉन दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स के अंदर और कार पार्किंग के लिए प्लेंटी ऑफ जगह दिया गया है। तो कार पार्किंग दोस्तों हर एक फ्लैट के लिए कार पार्किंग अवेलेबल है इस कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पर आप देखेंगे पोडियम एज वेल एज पोडियम के ऊपर ओपन कार पार्किंग भी दिया गया है इसमें और फ्लैट के साथ में आप देखेंगे बैल्कनी भी है। ये एमिनिटीज जोन है दोस्तों, जहाँ पर आप कोर्ट को, इस कोर्ट को आप मल्टीपर्पज कोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हो और सेंटर में बास्केटबॉल भी दिया गया है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है। तो फ्रेंड दिस इज़ द इमेज ऑफ द क्लब हाउस जिसमें 20+ एमिनिटीज इस क्लब हाउस के अंदर दिया हुआ है। तो एमिनिटीज़ में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर तो क्लब हाउस, योगा एरिया, प्ले एरिया, जिमनेजियम, गार्डन, इंडोर गेम, स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, कमर्शियल शॉप, सोसाइटी ऑफिस, सीनियर सिटीजन एरिया, मल्टीपर्पज कोर्ट, 3-tier सिक्योरिटी, जॉगिंग ट्रैक एंड लॉन, ओपन पार्टी लॉन एरिया, प्रैक्टिस बास्केटबॉल कोर्ट, वेल डिजाइन लैंडस्केपिंग, ग्रैंड एंड लैविश एंट्रेंस लॉबी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग एसएस पॉइंट, पावर बैकअप फॉर लिफ्ट्स एंड कॉमन एरियाज। ये सारे अमेनिटीज इसमें दिए हुए हैं दोस्तों, वुड्स विले 4 एंड द प्रोजेक्ट नेम इज वानिया। तो USP अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट वाइज स्पाइन सिटी मॉल इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स, डीमार्ट एंड सिटी वन मॉल, सो दीज आर क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स। हॉस्पिटल वाइज अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला मेमोरियल हॉस्पिटल, संत ज्ञानेश्वर हॉस्पिटल, यूनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड बैकॉर्ड हॉस्पिटल इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स वानिया वुड्स विले फेज 4 बाय परांडे स्पेसेस। IT कंपनीज में जैनजा, सिंटल एंड कैप जेमिनी। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में श्री श्री रविशंकर स्कूल, श्री बेल्स इंटरनेशनल स्कूल एंड SNBP इंटरनेशनल स्कूल। ऑटो कंपनीज में टाटा मोटर्स, मर्सिडीज बेंज एंड JCB इज क्लोजर टू दिस कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली दोस्तों 2.5 BHK इज 952 कारपेट इन दिस प्रोजेक्ट एंड 2 BHK, लार्जर 2 BHK इज 831 कारपेट एरिया। Then in A and B BHK, they have a smaller carpet area like 570 and 530 2 BHKs, which the prices for all these starts from 59 lakhs and it goes up to 1 crore. These prices are slightly negotiable. And finally, possession ye building ka dosto December 2025 mein hoga. तो इस बिल्डिंग में आपको हर साइज़ के, हर टाइप्स के आपको फ्लैट मिलते हैं, छोटे साइज़ के भी मिलते हैं और बड़े साइज़ के भी मिलते हैं। छोटे साइज़ के 2 BHK है, मिड साइज़ के 2 BHK है, देन 2.5 BHK है और लार्ज साइज़ 2 BHK और लार्ज साइज़ 3 BHK भी अवेलेबल है। और दोस्तों परांडे स्पेसेस के जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं पुणे में, आप कोई भी प्रोजेक्ट के पुणे के बुकिंग के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो। And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to the channel because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.